जय कार्तिकेय भगवान जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को कार्तिकेय जी की जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी राक्षस तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि शिव जी और माता पार्वती जी तो विवाह के पश्चात से ही देवगुरु वन में एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश व निराश देवता जब देवगुरु वन जा पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि शिव जी और माता पार्वती वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की शक्ति जन्म लेने वाली है। तब अग्निदेव ने उस अमोघ वीर को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया। वह तारकासुर से बचाने के लिए उसे लेकर जाने लगे, किंतु उस वीर का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने उस अमोघ वीर को गंगा देवी को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी, तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश छह भागों में विभाजित हो गया। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न वीर के उन दिव्य अंशों से छह सुंदर व सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती छह कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी, तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो सब उन बालकों को लेकर उनको अपना स्तनपान कराने लगी। उसके पश्चात वे सब उन बालकों को लेकर कृतिकालोक चली गई व उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती जी को बताया, तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे व कृतिकालोक चल पड़े। जब माता पार्वती जी ने अपने छह पुत्रों को देखा, तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगाया कि वे छह शिशु एक ही शिशु बन गए जिसके छह शीश थे। तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने बड़ा होकर राक्षस तारकासुर का संहार किया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी का आगमन कैसे हुआ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर बहस हुई, जिस कारण प्रतियोगिता पृथ्वी के तीन चक्कर लगाने आयोजित की गई, जिस अनुसार विजेता को फल मिलेगा। जहाँ मुरुगन ने अपने वाहन मयूर से यात्रा शुरू की, वहीं गणेश जी ने अपने माँ और पिता के चक्कर लगाकर फल खा लिया, जिस पर मुरुगन क्रोधित होकर कैलाश से दक्षिण भारत की ओर चल दिए। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।